सबसे पहले यूनिटी खोल के हम न्यू पे जाएंगे अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए तरफ, और अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। इन केस हम डॉज मिसाइल नाम दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का, आप कुछ भी दे सकते हो अपना नाम कि हम मिसाइल पे काम कर रहे हैं इस तरीके से। और आप डायरेक्ट सेट कर देंगे कहाँ पर हमें सेव करवानी है फाइल को, और इसके बाद हम 3D मोड की तरफ चलेंगे का सेट करेंगे कि हम 3D में काम कर रहे हैं, और कुछ टाइम लगाएगा इसके अंदर हम अपनी फाइल जनरेट होगी। फर्स्ट टाइम होता है तो टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर। और जैसे लोड हो जाएगा तो आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसके अंदर हमारे पास एक मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट होगी। अगर नहीं हो तो कंट्रोल एन दबा के आप अपनी सीन को क्रिएट कर सकते हो, न्यू सीन। और सीन क्रिएट करने के बाद हम राइट क्लिक करके सीन पे एक क्यूब को इंस्टेंशिएट कर लेंगे, यानी क्यूब हम बना लेंगे। और इसकी पोजीशन जो मैंने पेपर पे लिखी हुई है वो मैं सेट कर देता हूँ उसके ऊपर, क्यूब के ऊपर, ताकि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा सही तरह यूटिलाइज हो जाए। तो पहले से मैंने पोजीशन लिखी हुई थी ताकि हमें इसको सेट करना ना पड़े और बिल्कुल फास्ट काम हो। तो पोजीशन और स्केल फैक्टर जो हमारे पास एक्स और वाई, आपको बताना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या क्या होते हैं इसके अंदर। और क्योंकि हमें कैमरा हमें यूँ देखना है, अब हम कैमरा को इस तरफ से मोड से देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमें कैमरा को 90 डिग्री एंगल से देखना है, यानी इसका मोड जो होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कैमरा में जाके हम कैमरा की कुछ सेटिंग चेंज कर देंगे जो एक्स वाई जेड पोजीशन से, और फिर इसके बाद जो रोटेशन होगी -90 कर देंगे, -90 से हम बिल्कुल अपने रोटेशन चेंज हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा है, सही है। इसकी जो पर्सपेक्टिव है वो सामने की तरफ है, गेम व्यू में आप देख सकते हो कि गेम में नज़र आ रहा है हमारे पास। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने प्लेयर को बनाएंगे। तो हम स्पेयर एक बना लेते हैं और स्पेयर की को नाम प्लेयर दे देते हैं, सही है। इस प्लेयर की जो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी वो भी मैंने पेपर में लिखी हुई थी, वो जल्दी से मैं लिख लेता हूँ ताकि जैसे मैंने बताया टाइम सेव हो जाए हमारे पास कैलकुलेटर। अच्छा, स्पेयर को हम जो थोड़ा छोटा करेंगे, यानी स्क्रीन में ये बड़ा हो रहा है, तो जो इसको है ना हाफ जो स्केलिंग फैक्टर है ना हाफ कर देंगे, यानी 1 होता है तो उसको 0.5 की तरफ ले जाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारे पास एक छोटा सा बॉल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, गेम व्यू और इसके अंदर सीन व्यू में दोनों तरफ आप स्विच कर सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर हमें रिजिड बॉडी ऐड करता हूँ क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट मूव करवाना है, तो हमें एक तरीके से रिजिड बॉडी की ज़रूरत होती है। इसमें हम फिजिक्स करते कंटिन्यूस कर देंगे क्योंकि हम बार बार इसको चेक करवाना चाहते हो। और जो कंस्ट्रेंट में है वो रोटेशन हम इसकी फ्रीज कर देंगे क्योंकि रोटेशन हम अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे, कहीं ऐसे ही रोटेट ना हो। और एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे हम प्लेयर मूवमेंट के नाम से, आप स्क्रिप्ट कुछ भी बना सकते हो। अच्छा, स्क्रिप्ट को मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन करूँगा, राइट क्लिक डबल क्लिक करके, सही है। विजुअल स्टूडियो होपफुली जल्दी लोड हो जाए मेरा। लोड होने के बाद हमारे पास दो मेथड्स नज़र आएंगे, एक स्टार्ट जो कि वंस रन होता है, और अपडेट जो मल्टीपल टाइम रन होता है। हम दोनों में से कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल फिक्स अपडेट यूज़ करेंगे। सिंपल मेथड से समझ ले, फिक्स अपडेट हमारे पास जो फिजिक्स के फंक्शन होता है उसको परफॉर्मेंस इश्यू से बचाता है, यानी हायर पीसीज पे भी कोई परफॉर्मेंस देगा, लोअर पीसीज पे भी वही सिस्टम्स पे सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है फिक्स अपडेट। एक वेरिएबल बनाएंगे हम रिजिड बॉडी का जो कि प्लेयर की रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को स्टोर करेगा, और एक दूसरा वेरिएबल भी हम बनाते जाएंगे इसके बाद कि एक ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वेरिएबल हम वो भी प्लेयर की ट्रांसफॉर्म को स्टोर कराया, ये हम रोटेशन के लिए काम कर रहे हैं आगे जब हम रोटेशन पे जाएंगे प्लेयर की। अच्छा, इनपुट के लिए हम सिंपल इनपुट डॉट गेट एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे एक्स पोजीशन के अंदर। ये इनपुट क्या करता है कि हम अगर राइट एरो की प्रेस करेंगे तो वो वन की तरफ, यानी जीरो से ग्रेटर होगा और वन की तरफ जाएगा, और लेफ्ट प्रेस करते तो वो राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा, सही है। तो हमारे पास जीरो से लेस वैल्यू जाएगी, यानी सिंपल ये समझ ले कि राइट एरो से ये 1 रिटर्न करता है और लेफ्ट एरो की से हमारे पास ये -1 रिटर्न करता है, आप ये समझ ले सिंपल। ये काम डी और ए की के जरिए भी होता है कि डी से भी +1 रिटर्न करता है और ए की से -1 रिटर्न करता है। अच्छा, इसको हम इफ़ कंडीशन में इसको इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर हम वैल्यू जीरो से छोटी है, यानी हमने लेफ्ट एरो की प्रेस की है तो हम क्या करें, और अगर वैल्यू जीरो से बड़ी है, दूसरे इफ कंडीशन बनाते हैं, अगर वैल्यू जीरो से बड़ी है तो अगर हमने राइट एरो की प्रेस की यानी जीरो से बड़ी है तो हम क्या करें, सिंपल। अभी हम रिजिड बॉडी को यूज़ करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म को हम अगली वीडियो या देखते हैं इस वीडियो में कवर करते हैं नहीं करते। रिजिड बॉडी का हम वेलोसिटी का आर बी डॉट वेलोसिटी यूज़ करेंगे कि जिसके अंदर हम प्लेयर के अंदर कुछ वेलोसिटी ऐड करेंगे कि उसको किस तरफ मूव करना है। तो हम जेड पोजीशन की तरफ मूव करवा रहे प्लेयर को, तो एक्स और वाई को दोनों को जीरो कर देंगे, और कैमरा हमने पर्सपेक्टिव चेंज किया तो ये नहीं समझना कि हम एक्स एक्सिस में मूव करवा रहे, एक तरीके से हम जेड एक्सिस को मूव करवा रहे, सही है। तो हमने स्पीड का एक वेरिएबल बनाना भूल गए तो वो अभी बना लेते हैं, पब्लिक फ्लोट जो कि पब्लिक वेरिएबल है, इसको हम सीन व्यू में जाके चेंज करेंगे, सही है। इसकी वैल्यू माइनस साइन इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्योंकि हम लेफ्ट तरफ मूव करवा रहे हैं तो स्पीड हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, तो हम
इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस साइन है क्योंकि हम लेफ्ट एरो की यूज़ कर रहे हैं, और टाइम डॉट फिक्स डेल्टा टाइम या टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सही है। डेल्टा टाइम से इसलिए क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि फिक्स अपडेट हमारे पास ये फ्रेम में परफॉर्मेंस इशू ना है इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके रेफरेंस करना ज़रूरी है, अगर रेफरेंस नहीं करेंगे तो इसमें एरर आएंगे और चलेगा नहीं। तो रेफरेंस जैसे आएगा तो रिजिड बॉडी को भी इसमें रेफरेंस कर देंगे और ट्रांसफॉर्म का भी रेफरेंस कर देंगे, और स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट हम समझो 200 से ग्रेटर या 250 ले लेते हैं। और इसको जैसे रन करेंगे हम तो अब जैसे मैं की अपनी प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट और राइट जैसे की मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है।